लेट अस टेक द इलस्ट्रेशन 24th ऑफ योर पैकेज, जिसमें आपको ये चीज गिवन है, ठीक है, और आपको अब इसका लोकस बताना है। तो देखो आर्ग्यूमेंट पहले लेते हैं, आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन पाई बाय 6, तो वो क्या होता है, एक लाइन विच गोज फ्रॉम ओरिजिन, ये पाई बाय 6 एंगल है, ग्रेटर होगा इसका तो सारा इससे बड़े वाला रीजन, जो एंगल पाई बाय 6 बना रहा है उससे सारा बड़े वाला रीजन। फिर है आर्ग्यूमेंट लेस देन पाई बाय 4, तो एक बनाओ पाई बाय 4 वाली लाइन, ये एंगल है हमारा पाई बाय 4, और ये कह रहा है उससे लेस देन वाला रीजन। तो अगर दोनों रीजन का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या रीजन मिलेगा, यू विल गेट दिस रीजन, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी, यही इसका लोकस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसका ही पार्ट सी देखो, उसमें सिर्फ क्या करा है कि इसको जेड को एक तो ये पाई बाय 3 कर दिया इन्होंने, जो कि फर्क नहीं पड़ता उससे, एंड जेड हैज बीन रिप्लेस बाय जेड प्लस 1, तो क्या चेंज होगा इसमें, कुछ नहीं, ऐसे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे, नॉर्मल एक्स आ जाता था, तो एक्स प्लस 1 की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती थी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में जब हम लगाते थे ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होती थी कि शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड इन यूनिट बाय यूनिट 1, ठीक है। तो इसको यहां कर दिया तो ये हुआ माइनस 1, 0, तो पहले वाले केस में जो 0, 0 काम कर रहा था अब वो काम करेगा माइनस 1, 0। इसका क्या मतलब है, ऑल दोज लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 1, 0। तो अब देखो पहली इनइक्वालिटी लो ग्रेटर देन पाई बाय 6, वही उसी हिसाब से ये पाई बाय 6 एंड लेस देन पाई बाय 3, एंड दिस एंगल विल बी पाई बाय 3, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का रीजन, एंड दिस विल बी ये वाला रीजन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सिमिलरली इसी के जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट ही हमने सर्कल के केस में वैसे डिस्कस करा था कि क्या होना चाहिए, सो इसको देखते हैं, जिससे फोर्थ पार्ट सॉरी, जिससे आपको ये सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमने वहां करा था ऐसा कुछ कि जब जब होता है कि आर्ग्यूमेंट जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए इज इक्वल टू थीटा, तो अगर थीटा इज एक्यूट तो द आंसर इज मेजर आर्क, और अगर आंसर इज ऑब्ट्यूस देन द आंसर इज माइनर आर्क। तो देखो वो कैसे हुआ था, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कि वो आंसर क्यों आया था, ठीक है। अगर हम इसको बनाएं, ड्रॉ करें, देखो ये क्या हुआ, एक पॉइंट हुआ माइनस 1, 0 और एक पॉइंट है 1, 0, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट माइनस 1, 0 है, न्यूमरेटर वाला पॉइंट है 1, 0, ठीक है। तो बनाओ उसे, ये है आपका माइनस 1, 0 एंड दिस इज योर 1, 0, ठीक है, और इनके पासिंग एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं इसके पासिंग, ये हो गया मान लो सर्कल, ठीक है। तो एक कॉर्ड है, और इसका क्या मतलब होता है कि इवन दिस इज पाई बाय 4, सो दिस मींस द कॉर्ड इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 एट द सर्कमफेरेंस, तो जो ये एंगल है दिस इज पाई बाय 4, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं इसको जेड मानता हूं जो कि लोकस है मेरा, और अगर इस लाइंस को एक्सटेंड कर देता हूं, एक ये लाइन हुई, एक ये लाइन हुई, तो ये वाली कौन सी लाइन हुई, दिस इज जेड प्लस 1 लाइन, और ये वाली लाइन होगी जेड माइनस 1 लाइन। मेरा क्या है, जेड प्लस 1 इज रोटेटेड बाय एन एंगल पाई बाय 4 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट जेड माइनस 1, यही मतलब था इसका, मैंने पहले भी समझाया था कि नीचे वाली को अगर आप इस एंगल से रोटेट करोगे तो आपको ऊपर वाली टर्म मिलती है। तो देखो यही कर रहा हूं मैं, ये मेरा जेड प्लस 1 था, अगर मैं इसको पाई बाय 4 डिग्री से रोटेट करूंगा इधर तो ही मिलेगा मुझे, ठीक है ना, एंड दैट मींस ये मैंने जो डायग्राम बनाया दिस इज राइट, सो दिस मींस द आंसर इज दिस सेगमेंट, ये वाला मेजर आर्क हो गई, ठीक है। अगर तुम देखो इसी को मैं डायग्राम को अगर लोअर आर्क में बनाता, देखो अगर तुम्हें चाहिए था, देखिए मैंने मान ली मैं बड़े लेवल पे बनाता हूं माइनस 1, 0 एंड दिस इज 1, 0, और मेरा सर्कल कंप्लीट करता हूं मैं, मान लो ये सर्कल था मेरा और ये हुई मेरी कॉर्ड, ठीक है। अब मैं इस वाले को मानता हूं कि माइनर आर्क इज द आंसर, तो देखो वो गलत कैसे होगा,
ठीक है, ये पॉइंट था z सर्कमफेरेंस पे, ये वाली कौन सी लाइन है, दिस इज z प्लस वन एंड दिस लाइन इज z माइनस वन, और मेरे को निकालना क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, ठीक है। तो मेरा इसका क्या मतलब था कि आई हैव टू रोटेट z प्लस वन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन विद एन एंगल पाई बाय फोर टू गेट z माइनस वन। अगर मैं इसको पाई बाय फोर से रोटेट करूंगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो मुझे z माइनस वन मिल जाना चाहिए। तो देखो ये है, तो अगर इसको मैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो इधर की तरफ होगा वो, बल्कि z1 माइनस वन कैसे मिल रहा है मुझे, क्लॉक वाइज रोटेट करने में मिल रहा है। सो दिस मीन दिस इज रॉन्ग, दिस आर्क इज नॉट द आंसर, अपर आर्क इज द आंसर, ठीक है। नाउ लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 25, जिसमें पहला पार्ट है ये वाला, ये सेकंड है हमारा। पहले पार्ट में आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत जनरल केस है। आपको क्या करना है, व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज कि जो z माइनस वन आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या करो, इस वाले केस में z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई पुट करो, जो जनरल केस हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, बस आंसर आ जाता है। सेकेंड केस में देखो क्या करना है, ये क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा इक्वल टू पाई बाय टू, और ये भी हम केस कवर कर चुके हैं कि जब आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय टू होता है तो दैट मीन्स इट्स अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा इज इक्वल टू जीरो, और इसमें z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका फिर, ठीक है ना। सो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। Now let us take illustration 25 का जो भी हम कर रहे थे उसका part 4 लेते हैं। देखो इसमें क्या given है, log of cos pi by 3 bracket में दिया है is greater than 1। पहली बात cos pi by 3 की value क्या होती है, half, ठीक है। देखो ये मैंने question क्यों लिया, this is just to revise the properties of log with respect to in equations। अब क्या करना है मुझे, cos pi by 3 half हो गया तो ये हो गया log half x, मान लेता हूँ इस पूरी चीज को, greater than 1। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटीज के टर्म में कि अगर लॉग का बेस इज लेस देन वन, तो व्हेन आई राइट लॉग हटा के लिखता हूं तो ये हो जाता है एक्स लेस देन वन बाय टू की पावर वन, ठीक है। क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी हम क्या है, वैसे जनरली अगर इक्वल टू होता है तो क्या करते हैं, लॉग ये होता है तो वी राइट इट एज ए इज इक्वल टू बी रेस टू पावर वाई। बट जब इनइक्वालिटी आ जाती है तो अगर बेस इज लेस देन वन तो हमारा साइन जो है इनइक्वालिटी का That gets changed। बस यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, और सारा क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, This will become mod of z minus 1 plus 4 upon 3 times z minus 1 minus 2, ये हो जाएगा less than half, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा cos pi by 3 is half और half raised to power 1 हो जाएगा यहां पर log हटाने के बाद, तो ये आ जाएगा half। बस अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो तो आ जाएगा कि 2 ट्वाइस, देखो z माइनस 1 प्लस 8 लेस देन 3 टाइम्स z माइनस 1 माइनस 2, उधर ले जाओ इसको 2 ट्वाइस को, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब ये देखो ये इक्वेशन भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द एरिया आउटसाइड द सर्कल। मतलब इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसी एरिया है जिसमें अगर आप, मैं एक मिनट हटा दूं इसे, तो अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का सेंटर क्या हुआ 1,0 में, रेडियस 10 है अगर इसका, तो द एरिया इज आउटसाइड दिस सर्कल, ये वाला सारा एरिया ये लोकस है इसका आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 10, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लोकस वाले जो आते हैं इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करना, जो पैकेज में क्वेश्चन गिवन है उसे खुद अपने आप सॉल्व करना, मैंने अभी समझाए हैं, बट यू शुड रीसॉल्व देम फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। इनको दोबारा करो, 2-3 बार करो, जिससे क्लियर हो, आपको पूरा कंसेप्ट तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के, ओके। सो दिस वॉज दी थ्योरी पार्ट, नाउ लेट अस मूव टू सम सॉल्व सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स ऑफ योर पैकेज, ठीक है। आई विल चूज सम ऑफ द टॉपिक्स जो जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हों, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन लेता हूँ मैं।